इस वक्त जितने भी बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं या ऑफलाइन तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो तैयारी करने से पहले सबसे बड़ा सवाल उनके जीवन और मस्तिष्क में यही होता है कि ऑनलाइन स्टडी चुनी जाए या ऑफलाइन स्टडी चुनी जाए, इनमें से कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा ये बताऊंगा कि ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी में किसे चुनना चाहिए और किसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा, समझिएगा और फिर चुनिएगा और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर मैं ऑफलाइन स्टडी की बात करता हूँ तो ऑफलाइन स्टडी का जो फ़ायदा होता है सबसे बड़ा, वो फ़ायदा ये होता है कि आप पढ़ा रहे टीचर से फेस टू फेस रूबरू हो जाते हैं, मतलब टीचर से आप फेस टू फेस चीजों को समझते हो, फेस टू फेस बिल्कुल सामने रहकर। ऑफलाइन स्टडी का अगर मैं दूसरा फायदा बोलूं तो ऑफलाइन स्टडी का दूसरा फायदा यह होता है कि किसी भी बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो बेहतर होती जाती है। ऑफलाइन स्टडी से कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होने से मतलब ये है कि जब आप अन्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ रहे होते हैं तो उनसे बातचीत होती है, उनसे बातचीत होने में जो पॉइंट किसी पॉइंट पर आप मिस हो रहे होते हैं तो उससे मदद मिलती है और इस तरीके से बातचीत व्यवहार बढ़ता है, बात करने के तरीके सीखे जाते हैं। ऑफिस कल्चर एक तरीके का देखा जाए, स्टडी कल्चर और ऑफिस कल्चर दोनों ही डेवलप होता जाता है, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती जाती है। तीसरी बात मैं आपसे बोलूं कि तीसरा फायदा अगर ऑफलाइन स्टडी का बोला जाए तो तीसरा फायदा ऑफलाइन स्टडी का ये होता है कि आप टाइम से पंक्चुअल हो जाते हो। यहाँ पर आपको टाइम की इज्जत करने में थोड़ी सी समस्याएं जो होती है ना वो खत्म होने लगती हैं। किस प्रकार से मैं बात करता हूँ, ये इस प्रकार से होता है कि अगर ऑफलाइन कोचिंग जानी है तो उसका एक समय निर्धारित होता है, समय निर्धारण से ही आप उस कोचिंग में पहुंचेंगे, अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और एक निश्चित समय के बाद वो क्लास ओवर होती है, क्लास के बाद आप निश्चित समय में घर पहुंचते हैं और प्रतिदिन का यही शेड्यूल होता है कि आप निश्चित समय पे ही ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से टाइम की पंक्चुअलिटी यानी टाइम को तवज्जो देने की एक बात डेवलप होती है ऑफलाइन स्टडी में। अगर मैं बात करता हूं कि ऑफलाइन स्टडी से क्या बेहतर हो सकता है ऑनलाइन स्टडी की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए आजकल मैं बताऊं तो ऑनलाइन स्टडी पर जो टीचर एप्लीकेशन पर या ऑन यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन स्टडी में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट टीचर होते हैं जो पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन स्टडी में, ऑफलाइन टीचिंग में बेस्ट टीचर नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन टीचिंग में फ़ायदा ये हो जाता है कि आप कभी भी टाइम का, अगर मान लीजिए आपको 9 बजे क्लास जानी है और उस वक्त 9 बजे आपके पास कोई ऐसा अर्जेंट वर्क आ गया या कोई ऐसा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटल केस हो गया कि आप क्लास नहीं पहुंच पाए तो आपकी वो चीज़ मिस हो जाती है। ऑनलाइन स्टडी की बात करें तो ऑफलाइन की तुलनात्मक रूप से देखने पर ऑनलाइन स्टडी में यह फायदा होता है कि आप क्लासेस को कभी भी ले सकते हैं, पूरे दिन के समय में कभी भी। और एक फायदा यह भी होता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं कि ऑनलाइन स्टडी में कोई एक कॉन्सेप्ट छूट गया है तो आप दोबारा से वीडियो में पीछे की तरफ जाकर सेक्शन में आप उस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन स्टडी में छूटी हुई क्लास को आपको अपने सहपाठियों से, अपने कलीग से ही पढ़कर समझना होता है कि वो क्लास आपकी दोबारा से नहीं मिल पाती है। ऑनलाइन स्टडी का ये फायदा होता है कि ऑनलाइन स्टडी में आप कितनी भी बार क्लासेस को देख सकते हो, जितनी बार छूट जाए तो फिर से देख सकते हो। अच्छा, ऑफलाइन स्टडी और ऑनलाइन स्टडी में क्वेरीज को लेकर, समस्याओं के समाधान को लेकर बड़ी समस्याएं रहती हैं छात्रों में। उनको ये लगता है कि ऑनलाइन स्टडी में सवालों के जो जवाब होते हैं वो ना के बराबर होते हैं ऑफलाइन स्टडी की तुलना में। तो मैं अगर ऑफलाइन स्टडी की बात करता हूँ, ऑफलाइन स्टडी में अगर पढ़ते समय किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन जनरेट होता है, कोई सवाल जनरेट होता है, तो अगर वो बच्चा अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सजग है तभी वो सामने से तुरंत टीचर से पूछ पाता है कि सर इसका जवाब क्या होना चाहिए, ये डाउट है मेरे मन में। और अगर सजग नहीं है, मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट है, तो वहां भी आप टीचर से पूछ नहीं पाते हो और कई बार ये भी देखा जाता है कि टीचर भी कई बार उस चीजों को टाल देते हैं,
कि चलो ठीक है आज नहीं, ये सवाल मैं आपको अगले टर्न पे बता दूंगा, ये चीज़ ये डाउट जो आपका है आज मेरी अगली क्लास है मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। तो कभी टीचर्स को याद रहता है, कभी स्टूडेंट्स को याद रहता है, कभी दोनों भूल जाते हैं। तो कभी कभी जो डाउट सेक्शन होता है ऑफलाइन स्टडी में वो पूरा हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। ऑनलाइन स्टडी में अगर हम डाउट सेक्शन की बात करते हैं कि ऑनलाइन स्टडी में डाउट सेक्शन के लिए आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किए जाने लगा है। आजकल सभी चैनल अपनी एप्लीकेशन पर जहाँ से वो पेड कोर्स पढ़ रहे होते हैं, एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन में उनके पास एक ऑप्शन ये होता है कि डाउट सेक्शन को, डाउट क्लियरिंग को करने के लिए एक अलग से ऑप्शन होता है चैट बॉक्स का। वहाँ पर बच्चा ऑनलाइन स्टडी में क्या करता है, अपना डाउट लिख देता है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित जिस सब्जेक्ट का उसने पेड बैच ले रखा है, और चैनल की जो टीम होती है जो डाउट क्लियर करके बच्चे तक पहुँचाती है उसके जवाब को, वो टीम क्या करती है वाया कॉल के माध्यम से या वाया मैसेज के माध्यम से उसी चैट बॉक्स में बच्चे के द्वारा पूछे गए डाउट का भी जवाब देती है। ऑफलाइन स्टडी में कई बार बच्चे के मन में घबराहट होती है कि इतने बड़े टीचर हैं, हम टीचर से अपना डाउट पूछें या ना पूछें, ये होता है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में ऐसी कोई घबराहट, कोई चांसेस नहीं होते हैं, बच्चा बेधड़क होकर क्वेश्चन पूछता है और अगर टीम सजग रहती है तो उसका उत्तर भी आता है। अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं अपने माई पाठशाला एप्लीकेशन की बात करता हूं, तो माई पाठशाला एप्लीकेशन में जिन भी बच्चों ने जैसे मैथ्स का कोर्स ले रखा है, मैं आपको बताऊं एक और फायदा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक और फायदा यहां पर बता देता हूं कि ऑफलाइन स्टडी में कोर्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई होती है, जबकि ऑनलाइन स्टडी में इसकी तुलना में जो कॉस्ट होती है वो लगभग लगभग 1/10 हिस्सा हो जाती है, बल्कि इससे भी और कम। आप ये मान के चलिए कि ऑफलाइन स्टडी में अगर किसी मैथ्स के टीचर का कोई कोर्स 12,000 रुपए का है, तो यहां पर ऑनलाइन स्टडी में वो आपको, बल्कि मैं किसी और टीचर का एग्जांपल क्यों दूं, मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं कि मैं जब मैथ्स पढ़ाता हूं ऑफलाइन स्टडी में, तो सेम मैथ्स के कोर्स के लिए मैं फीस चार्ज करता हूं 8,000 रुपए 6 महीने के लिए। लेकिन ऑनलाइन स्टडी की बात करें तो माई पाठशाला के एप्लीकेशन पर मेरा कोर्स मैथ्स का सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए का है और अपडेटेड कंटेंट के साथ है। तो सबसे बड़ा फायदा यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी में अगर देखा जाए ऑनलाइन स्टडी का यह है कि यहां पर जो चीज आपको महंगी मिलेगी उसके 10वें हिस्से में वो चीज यहां पर आपको सस्ती मिल जाएगी, ये एक फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो टीचर आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर मैं टीचर्स की बात कर लेता हूं, कभी कभी होता है कि बच्चों के कोई फेवरेट टीचर हैं, वो चाहता है कि मैं उन्हीं के सामने रूबरू होकर पढ़ूं, सामने से पढ़ूं, तो आप ये भी देखो कि कई बार जो टीचर आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं वही आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, सेम कंटेंट को, सेम चीज़ों को। तो जब आपको पढ़ना चीज़ें वही है, फेस टू फेस होकर ऑनलाइन भी पढ़ा जाता है, फेस टू फेस होकर ऑफलाइन भी पढ़ा जाता है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन स्टडी को प्रेफर नहीं करें, आप ऑफलाइन स्टडी को प्रेफर करें। अच्छा, जो सबसे बड़ा फायदा होता है अगर इन दोनों में मैं बात करता हूँ तो वो होता है टाइम सेविंग का। सबसे बड़ा फायदा, आज के अर्थ युग में टाइम इज मनी, आपका समय ही आपका पैसा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑफलाइन स्टडी में अगर मैं बात करता हूं कि कोई 1 घंटे की क्लास आप लेने जा रहे हो, तो उस 1 घंटे की क्लास के लिए आपको 15 मिनट पहले घर से निकलना पड़ेगा, 15 मिनट बाद तक आप आ जाओगे जब आप बहुत सीधे हो, रास्ते में कहीं रुकते नहीं हो और कोचिंग आपके घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। ऑनलाइन स्टडी में ये फ़ायदा होता है कि 1 घंटे की क्लास आप 1 ही घंटे में कवर कर लोगे, इसके लिए आपको 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद या और एक्स्ट्रा समय देने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑफलाइन स्टडी की तुलना में आजकल जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है टेक्नोलॉजी के साथ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर करें, चुनें। अब बात ये आ जाती है, कई बार ये होता है कि ऑनलाइन सर चुनने के में जो चीज़ें होती हैं उनको हम सही से यूज़ कैसे करें, यानी ऑनलाइन पढ़ाई करें कैसे। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी होता है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें।
अब समझिएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी और अर्थ युग है। इन दोनों के साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, और ये बात याद रखते हुए कि आपका समय ही आपका पैसा है, टाइम ही आपका मनी है, टाइम इज मनी। कई बार बच्चे कई सारी चीज़ों को सोचकर ये सोचते हैं कि आज पैसा नहीं है, चलो हम थोड़ा सा टाइम और लगा लेते हैं। वो एक अलग की बातें हैं, उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे, अभी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सबसे पहली बार जब आप कोई कोर्स परचेस करते हो किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी चैनल पर, तो नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करिए। मान लीजिए कोई एक चैप्टर वन खुला, मैंने कहा कि नंबर सिस्टम आपने पढ़ना शुरू किया, उसका लेक्चर वन पढ़ा आपने, उस लेक्चर वन में जो भी चीज़ सिखाई गई है उसके बाकायदा नोट्स बनाइए, और नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शॉर्ट नोट नोट्स। यदि आप ये सिर्फ समझो कि हम वीडियो को देख लें और वीडियो को देखने से मेरा काम बन जाए, तो आप एक बार वीडियो देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर एक वीडियो, हर एक क्लास के साथ उसके प्रॉपर नोट्स आपका बनना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं, एक आपकी हैंडराइटिंग बेटर होती है, और दूसरा आपको लिखने की जो प्रैक्टिस है, लिखने की प्रैक्टिस, लिखने का अभ्यास भी होता रहता है, ये अभ्यास छूटता नहीं है। इस लिखने के अभ्यास से कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती है, माइंड थोड़ा सा शार्प हो जाता है, कैलकुलेशन के भी आपसे, मेमोरी के भी आपसे, इन दोनों को ध्यान में रखते हैं। दूसरा, आपको कैसे पढ़ना है कि मान लीजिए आपने कोई एक लेक्चर एक बार में पढ़ लिया, अब आप चाहते हो कि उस नोट से जो चीज़ें रिविज़न नहीं हो पा रही हैं, नोट्स का सबसे बड़ा यूज़ होता है कि आप जब परीक्षा के समय रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो उस रिवीजन के समय, परीक्षा के टाइम, एग्ज़ाम टाइम पे आपको दोबारा वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप वीडियो दोबारा से देख रहे हो। ये जो नोट्स बने हैं ये आपके रिवीजन जो होगा एग्ज़ाम के समय का, इसको बड़ी मदद करेंगे। अब इसके बाद मैं जो बात कर रहा था वो बात ये थी कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नोट्स बनते हैं, नोट्स के बाद अगर आपको ये लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट शायद हमसे मिस हो गया है सेम वीडियो का, जो कि मैं नोट्स में भी नहीं लिख पाया, तो आप जब दूसरी बार उस वीडियो को देख रहे हो ना, तो उसको थोड़ा स्पीड के साथ देख सकते हैं, क्योंकि पहले हर चीज़ तो आपकी पढ़ रखी हुई है। अब आप एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दिया होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से थोड़ा सा 2x या 3x की स्पीड में बढ़ाकर आप चीज़ों को देखें। इसके बाद अब मैं जो आपको तीसरे चौथे पॉइंट बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको हर एक चैनल जो पढ़ाई वाला है, आपके सिलेबस वाला है, वो हर एक चैनल नहीं ज्वाइन करना है, हर एक चैनल को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप तीसरे पॉइंट पर ये देखो कि आपका सिलेबस क्या है। मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा रेलवे का, मेरा अगर मैं ALP का एग्जाम दे रहा हूं तो ALP के एग्जाम के लिए सिलेबस ही है। अब आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें कि ALP के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से चैनल इस वक्त पढ़ा रहे हैं, और उस चैनल पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या उन टीचर से आपका समझने का तरीका और उनके समझाने का तरीका मैच होता है। यदि होता है तो तुरंत उसके एप्लीकेशन पर जाके आप वहाँ से उनका जो पेड बैच कम्प्लीट हो उसको आप ले लो और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो। अब मैं यहाँ से ये बात बहुत ज़रूरी है, आपको आपके सिलेबस के विषय में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, एक एक पॉइंट जानकारी होनी चाहिए। पांचवा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको सुनकर आपको हो सकता है हंसी भी आए, और हो सकता है आपको ये लगे कि ये क्या बता रहा है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी नोटिफिकेशन वाले सिस्टम होते हैं कि आपने जैसे ही मोबाइल फ़ोन उठाया, मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट ऑन किया, इंटरनेट ऑन करते ही ढेरों नोटिफिकेशन आने लगते हैं, वो फेसबुक के भी आते हैं, वो इंस्टाग्राम के भी आते हैं, वो टेलीग्राम के भी आते हैं, और वो तमाम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट व्हाट्सएप के भी आते हैं, और यूट्यूब में जितने भी चैनल आपने जुड़ चुके हो उनके भी आते हैं। तो ये सब क्या है, सेटिंग में जाके इन सब को आप क्या कर दो, इन सब को आप डीएक्टिवेट कर दो, डीएक्टिवेट होने के म्यूट पे डाल दो,
ताकि जब कभी भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपकी पढ़ाई में बाधा ना बने, आपके पढ़ाई में हिंड्रेंस ना बने, बाधा ना बनने पाए, इससे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऑनलाइन पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोन को वर्टिकल मोड में नहीं, लैंडस्केप मोड में करके पढ़ो, जब पूरी स्क्रीन में सारी चीज़ें दिखती हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब आप फोन को ऐसे करके पढ़ते हो तो आधे में आपका स्क्रीन चलती है, नीचे तमाम सारे ऐड दिखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं कि आपको ना चाहते हुए भी आप उसमें क्लिक कर लेते हो, होती हैं तमाम सारी चीज़ें जो आप डेली यूजर्स में देखते हो ना, कि उनके रिकमेंडेशन यूट्यूब आपको देने लगता है, तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन का कारण है। तो आप फोन को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करके फुल स्क्रीन में पढ़ें, यहाँ पर ना ही आपको कोई ऐड दिखाई देगा ना ही कुछ दिखाई देगा, तो आप अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ ढंग से यहाँ पर यूज कर सकते हो सही तरीके से। तो अगर मैं इस पे बात कर रहा था कि ऑफलाइन स्टडी या ऑनलाइन स्टडी में किसको चुनना चाहिए, तो आज के ज़माने के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से, इन सबको बचत के हिसाब से चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे बोलूँगा कि ऑनलाइन स्टडी जो है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है किसकी तुलना में, ऑफलाइन स्टडी की तुलना में। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन स्टडी जो है वो ख़राब है, इसको ना चुने, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में आपका हर चीज बचती है, आपका पैसा बचता है, आपका टाइम बचता है, आपके जितने भी अन्य सोर्सेस हैं वो बचते हैं, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, समय कम लगता है, दोस्तों के साथ घुमा फिरी कम होती है। लेकिन ये सब तभी है जब आप एक कंसंट्रेट होकर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अपना लक्ष्य आपको दिखाई देता है, वो तो इसके लिए भी और इसके लिए भी दोनों है। अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन स्टडी भी आपके लिए बेकार ही है, वहाँ पे जाके भी आप वही करोगे जो आप चाह रहे हो, पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं होगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है और कड़वी सच्चाई है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अब ये चुन लेना है कि कौन सी पढ़ाई बेहतर होगी। और आखिरी में मैं आप सभी को, बच्चों को ये बताने वाला हूँ कि भाई अपने यहाँ यानी कि पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम यानी माई पाठशाला का जो ज्वाइंट वेंचर है, यहाँ पर रेलवे से संबंधित सभी कोर्सेस उपलब्ध हैं, चाहे वो एलपी और टेक्नीशियन को लेकर हो, एलपी प्लस टेक्नीशियन को लेकर हो, चाहे वो आरपीएफ को लेकर हो, चाहे वो आरआरबी जेई को लेकर हो, जेई को लेकर हो, उसके बाद अगर मैं इस पर भी बात कर लेता हूँ, चाहे वो टीटीई को लेकर हो या ग्रुप डी को लेकर हो या एनटीपीसी को लेकर हो, किसी को भी लेकर हो, यहाँ पर आपको जो क्लासेस है ना मैथ्स की, अगर मैं स्पेशली क्लास की बात करूँ तो मैथ्स की स्पेशली क्लास आपको 3:30 बजे से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल जाती है यूट्यूब पर। और पेड कोर्स की बात करें तो पेड कोर्स भी माई पाठशाला के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि माई पाठशाला के एप्लीकेशन अभी तक जितने भी चैनल्स बने हुए उन सभी के एप्लीकेशन से बहुत सुदृढ़ और कारगर है। देखिए टेक्नोलॉजी में कहीं कहीं थोड़े बहुत ग्लिच रहते हैं, कभी भी किसी के में भी हो सकते हैं, तो उस बिहाव पर जज ना करते हुए आप तुरंत पेड कोर्स, चाहे वो मैथ्स का ले, साइंस का ले सकते हो, रीजनिंग का ले सकते हैं, जीके जीएस का ले सकते हैं, या पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन ही ले सकते हैं जिसमें सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके लिए आपको बस करना यह है कि 9369880746 नंबर पर कॉल कर देना है, या फिर 8574389172 नंबर, इस पर व्हाट्सअप करके आपको जानकारी ले लेनी। ठीक, इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है लेकर मैं आता रहूँगा। धन्यवाद।